चेतावनी उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये दावा सामने आता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को 31 टुकड़ों में तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कालिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी कि तबाही की गवाह बनेगी। ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। रूस से पोलैंड पर सिर्फ 3 मिनट में प्रहार हो सकता है। रूस से बेल्जियम 7 मिनट में हमला हो सकता है। रूस से जर्मनी पर 10 मिनट के अंदर परमाणु हमला हो सकता है। इटली तक सिर्फ 11 मिनट में रूस का परमाणु बम पहुंच जाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया में छपी एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है। वजह है नाटो देशों पर रूस का परमाणु निशान। नाटो की तरफ से चेतावनी जारी कर कहा गया है कि अगर रूस नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है तब नाटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा और कुछ ही दिनों में रूसी सेना को खत्म कर देगा। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नाटो 2 दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा। 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है। 48 घंटे में नाटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है। और तो और दावे के मुताबिक 48 घंटे में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गुल हो सकती है। ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमंड ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। निकोलस ड्रमंड ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं। अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर दुनिया में मशहूर हैं। नाटो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है। उसी निकोलस ड्रमंड का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नाटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है। पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अगर नाटो रूस या फिर रूस के दोस्त बेलारूस के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूद पड़ेगा। सवाल है, क्या सच में नाटो की सेना रूस को 48 घंटे में खत्म कर सकती है?
अगर ऐसा करना है तो कैसे होगा, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन की परमाणु युद्ध की तैयारी को जान लीजिए। रूस के परमाणु हथियार ऐसे तन गए हैं। पुतिन के परमाणु हथियार ऐसे अड़ गए हैं। किसी परमाणु मिसाइल से जब निशाना साधना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है। रूस ने ऐसे कितने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है? रूस ने ये परमाणु हथियार कहां कहां तैनात कर दिया है? रूस के इन परमाणु हथियारों के निशाने पर कौन? इन सभी सवालों के जवाब पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नाटो देशों को अपने परमाणु हथियारों के निशाने पर ले रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड पुतिन की परमाणु मिसाइल के निशाने पर है। रूस की सेना ने लिथुआनिया के नाम भी परमाणु मिसाइल तैनात कर रखी है। रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर तीसरा देश लातविया। पश्चिमी मीडिया के जिस रिपोर्ट में तीनों देश पर पुतिन के परमाणु निशाने का दावा किया गया है, उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि नाटो देशों के लिए अब जवाब देने का समय आ गया है?